करतो का सेल सगळं सगळ्यात आहे. अब पूरी के बाद हम चंदन जी का परफॉर्मेंस देखेंगे और चंदन के परफॉर्मेंस के बाद विद्या विद्या पाड़िया पेदिया सॉरी विधि पाड़िया विधि प्लीज बी रेडी विथ योर परफॉर्मेंस फॉर टाइमिंग वी आर बी विथ चंदन. ओके माइक झाला सेट तिकडे माइक हो गया. हेलो उसका सेल का प्रॉब्लम नहीं है ना बैटरी ठीक है क्लियर चल डन. जोरदार तालियां दोस्तों चंदन यादव के लिए. एक तू ही नहीं जान वाले आ तू तड़पाया लौट के फिर तू कदे ना आया अखां दे नाल दिल नू रुलाया बड़ा सताया तू याद तेरी बस आंदी जावे पर तेरी कोई खबर न आवे दिल मेरा हुण डुबदा जावे बड़ा सताया तू तैनू हुण मेरी कदे याद आके तड़पांदी नहीं अखियां चो तेरी किते नींदर उड फुट जांदी नहीं आवे तू मुड़ के हुण मैं तकरा फरियादा नी राह विच जिंद बैठी इक लैके तेरिया यादा इक तेरी खैर मंग मैं मंगा ना कुछ होर एक तेरी खैर मंग दी ना टूटे दिल की तोर एक तेरी खैर मंग दी अब कोई चले ना जोर एक तेरी खैर मंग दी मैं. थैंक यू सो मच चंदन फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस. देखते हैं जजेस को क्या लगता है आपके परफॉर्मेंस के बारे में. शैलेश सर चंदन के इस परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या लगता है. क्या चंदन अच्छा था आपका परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. क्या हो गया है कुछ ज्यादा इमोशन में कर रहे थे डांस. इमोशनल सॉन्ग. ठीक है ठीक है अच्छा परफॉर्मेंस था बस कुछ कुछ स्टेप्स में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी आपका थोड़ा वर्क करना पड़ेगा. और एक कंटेम्प्रेरी करते हो तो कंटेम्प्रेरी तो नहीं था पूरा वो बट जो भी स्टेप्स आप करते हो ना थोड़ा चिन ऊपर रखे डांस किया करो थोड़ा सा चिन ऊपर. आपका चिन डाउन होता है तो आपके आइज डाउन होते हैं तो कभी भी फ्लोर करते हो तो वो उस पर थोड़ा ध्यान दो. ठीक है. थैंक यू सर. गणेश सर को क्या लगता है आपके परफॉर्मेंस के बारे में जानते होनी से. गणेश सर चंदन दिल टूटा है क्या. नहीं सर. पक्का ना सर. ऐसे लग रहा था रे कि टूट गया है कुछ. नहीं सर. ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा था अटेम्प्ट अच्छा था. कितने साल से आप डांस कर रहे हो बेटा. सर 3 महीने से. 3 महीने से बहुत अच्छा वर्कआउट किया बेटा. 3 महीने में किया कहीं ना कहीं दिल टूटा होगा. नहीं सर. इसलिए 3 महीने में इतना अच्छा डांस सीख पाए हो आप. अच्छा अटेम्प्ट अच्छा था आपका. आपने जो भी कंटेम्प्ट स्टाइल आप बोल रहे हो बट बेटा प्योर कंटेम्प्ट स्टाइल नहीं है. आप सीख रहे हो ना और अच्छी तरह से सीखो. आ रहा है फीलिंग्स भी आ रहे हैं अच्छी बात है. आपके एक्सप्रेशंस भी आ रहे हैं. इतने कम उम्र में आप एक्सप्रेशंस अच्छे दे रहे हो दिल तोड़ने वाले. आगे दिल तोड़ने वाले के बाद देखते हैं. अच्छा क्या परफॉर्मेंस. थैंक यू सर. आइए जानते हैं रोहित सर की ओर से आपको इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं. रोहित सर थैंक्स टू योर गर्लफ्रेंड जिसने आपका दिल तोड़ा इसलिए हमें ये परफॉर्मेंस देखने मिला. ओके चंदन मैं तुमको कुछ बोलना चाहूँगा कि हमें जब तुमने स्टार्ट किया था ना तो हमें लगा अरे ये कुछ अलग होने वाला है बट वो हुआ बट उतना नहीं जितने हमने एक्सपेक्ट किया था. तो वर्कआउट बहुत करना पड़ेगा. यू आर गेटिंग यू आर ऑलमोस्ट देयर. हमें नहीं चाहिए कि आप 3 महीने से करो या 3 साल से. आपने जो परफॉर्म किया हम उस पर आपको मार्क देंगे राइट.
तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं एक ही बोलूँगा कि वर्कआउट करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कआउट तुम्हें करना है बहुत ज़्यादा डांस के, और स्टेप्स पे ज़्यादा ध्यान दो। आपकी फीलिंग्स थे, आपका जो एक कुछ लॉक्स थे वो अच्छे थे, बट हमें, मैं यही बोल रहा था बाद में से कि इससे पहले जो परफॉर्मेंस हुआ था या आपका, आप उसमें थोड़ा कोरियोग्राफ करो, उस गाने को कोरियोग्राफ करो, आप लिरिकल करो या कंटेम्प्रेरी करो जो भी, मुझे एक स्टेप्स भी अगर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए भी मुझे एक, आप खड़े हो गए अच्छे से स्टेप्स कर रहे हैं, इट इज़ नाइस, इट इज़ फाइन विद अस। नॉट नेसेसरी कि आपको जंप ही करना है या कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको सिर्फ जंप करना है, कुछ मूवमेंट बताना है या लॉकिंग ही करना है। आप अगर खड़े रहेंगे भी 4-5 भी मूवमेंट्स करेंगे ना, वो रिलैक्स हो जाता है एक परफॉर्मेंस, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूसली टक 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 करते जाएंगे तो पहले अच्छा लगता है, देन लेटर वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं तुमको क्योंकि ये बोल रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुम में वो पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है? 3 महीने नहीं, 3 साल, 30 साल लगते हैं अच्छा डांसर बनने के लिए, राइट? ओके, यो, वेरी गुड, स्माइल, ओके, और गर्लफ्रेंड को भूल जाओ, कोई टेंशन मत, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट चंदन विद ऑल योर डांसेस एंड थैंक यू सो मच। ओके गाइज, अटेंशन प्लीज, यहाँ पे जब परफॉर्मेंस चल रहे हैं, यहाँ पे जब जजेस कमेंट दे रहे हैं, प्लीज बी क्वाइट। अगर आपका परफॉर्मेंस चलते हुए अगर सामने इतना शोर गुल्ला चले तो आपको कैसे लगेगा? सो प्लीज आपके फेलो पार्टिसिपेंट्स को भी रिस्पेक्ट दीजिए, बोलना है बातें करनी है बाहर जाके कीजिए, या फिर जब मीनवाइल छोटा सा ब्रेक मिलता है तब बाहर जाइए। प्लीज बी पेशेंट विज़र, एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, जा रहे हैं, बढ़ते हैं अभी अगले परफॉर्मेंस की ओर। अब देखने वाले हैं थोड़ा सा और अलग जलवा आप सभी के लिए, विधि आ रही है आपके सामने अगला परफॉर्मेंस लेने के लिए, सो प्लीज ज्वाइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर विधि। विधि के बाद हम सभी और बढ़ेंगे रोशन गंगावणे की ओर। रोशन गंगावणे प्लीज बी रेडी इन द बैक। ओके विधि, ओके गाइज, सो लेट्स गो फॉर दिस परफॉर्मेंस। विधि, डैड आपके बिना मुझे यहाँ बहुत अकेला सा लगता है, आई मिस यू। बेटा तुम अकेले थोड़ी ना हो, भगवान है ना तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन मेरे लिए भगवान, गॉड, खुदा सब आप ही तो हो। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे आसपास हमेशा रहूंगा। रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू ना जाने आस पास है खुदा, ओके या विधि, लेट्स गो ऑन द Get up, पैर ऊपर कीजिए, that's fine, be in the center।
ओके, आपको सच में कुछ नहीं दिख रहा? कितने हैं ये? 5. हाँ, पांचों के लिए हाथों में तो है. इट वाज करेक्ट. कम ऑन, लेट्स टेक दिस आउट. ओके, आपका ब्लाइंड फोल्ड निकाल देते हैं. वेट अ वाइल. ओके ओके, जोरदार तालियां दोस्तों विधि के लिए. ओके विधि, आपका इस परफॉर्मेंस के बारे में जजेस का क्या कहना है देखते हैं. जजेस के साथ ही रोहित सर, आपका क्या कहना है? विधि, आपको लेके आई है आप, लेकिन लेट मी ट्राई दिस. गो देयर बेटा. गुड गुड, बहुत अच्छा था. और कहा जाता है कि एक्सप्रेशन जो है वो आंखों से ज़्यादा दिखते हैं. अगर एक्सप्रेशन जो कहा जाता है, बट नॉट नेसेसरी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी हो, बट आपके आंखों के ऊपर ये इतनी बड़ी पट्टी थी, स्टिल योर एक्सप्रेशन वॉज देयर ऑन योर फेस. आई डोंट नो, इट्स इम्पॉसिबल. मैं वो आपके फेस में देख रहा था. आई कैन सी. आप मोस्टली कहा जाता है कि जो एक्सप्रेशन होते हैं वो आईब्रोज से आते हैं या आईज से हमारे आते हैं. आपको तकलीफ हो रही है बेटा? ओके गुड. आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो आप गाना कर रहे, तो मैं उस परफॉर्मेंस के बारे में कहूँगा ही नहीं, दैट इज माइंड ब्लोइंग. बट आपके जो सॉन्ग जो किया था ना, आपकी बॉडी में दिख रहा था, आपके रिदम में दिख रहा था, आपके एक्सप्रेशन में दिख रहा था. वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा. थैंक यू सर. आइए गणेश सर के साथ देखते हैं. गणेश सर, आपके पप्पा है? कौन है आपके? सर, बुलाओ सर को. सर, हाय सर. हाय. सैल्यूट मैन, सैल्यूट. थैंक यू ये अटेम्प्ट के लिए सैल्यूट. थैंक यू सो मच. अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये अटेम्प्ट किया. बेटा आप रो रहे क्यों हो? पापा का याद आ रहा है? अच्छा, सब पापा के लिए ताली. देखो आपके लिए सब ताली बजा रहे. आप अच्छा किया बेटा, क्यों रो रहे हो आप? अब क्या हुआ? भूख लगी है, बर्गर चाहिए, पिज्जा, हम लोग मैकडी चले. नहीं ना, तो फिर आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया. आई डोंट हैव अ वर्ड्स फॉर दिस परफॉर्मेंस. आई डोंट हैव अ वर्ड्स. वेरी गुड. आप रो रहे, आपको सर्दी हुई है क्या? नहीं, एक बार जोरदार तालियां विधि के लिए और इनके ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट परफॉर्मेंस. दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर. आगे हम सभी के साथ आने वाले हैं रोशन, हमारा परफॉर्मेंस लेकर. रोशन के बाद तेजस साहब, प्लीज बी रेडी इन द बैक स्टेज. ओके, फॉर टाइमिंग जोरदार तालियां रोशन के लिए. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, walk off the earth on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. ओके, जोरदार तालियां दोस्तों यहाँ पर इस बेहतरीन परफॉर्म के लिए रोशन के लिए. रोशन, प्लीज प्लीज बी द सेंटर. देखते हैं जो जिसको आपका परफॉर्मेंस
कैसे लगा है? शैलेश्वर, आपको क्या लगता है इस परफॉर्मेंस के बारे में? प्लीज रोशन ना। हाय रोशन। हाय। ये कौन सा फॉर्म किया आपने? जैज। व्हाट? जैज। जैज सीखते हो क्या कहाँ पे? जैज सीखते हो क्या कहाँ पे? क्लास। ओके ठीक है। सुनो, आप डांस किसके लिए कर रहे थे? हम लोग के लिए कर रहे थे या अपने लिए कर रहे थे? हाँ अपने लिए। तो ऐसा नहीं है ना कि हमको देखना ही नहीं है? आप तो हम लोग को देख ही नहीं रहे, तो आप ऊपर ऊपर कुछ लगाए क्या फैन के ऊपर उधर? मैं सोच रहा हूँ अभी देखेगा मुझे, अभी देखेगा मुझे, अभी देखेगा मुझे, देख ही नहीं रहा। ओ कैमरा। ठीक है ठीक है। डांस में आपका यह एनर्जी बहुत कम था, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा इसमें, ठीक है? तो और मेहनत करो। और जैज में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट प्योर जैज। ओके, थैंक यू सो मच रोशन, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल नेक्स्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों रोशन के इस परफॉर्मेंस के बाद हम बढ़ने वाले हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। तेजस आ रहे हैं अपने रंग लेकर आप सभी के सामने। तेजस के बाद प्रिशा जैन, प्लीज बी रेडी। प्रिशा प्लीज बी रेडी इन द बैक स्टेज। ओके फॉर टाइम बीइंग जजेस तेजस शाह। गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार च फेरे पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लग गए डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, रत्ता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हसे ओके तेजस, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। रोहित सर के बारे में देखते हैं, रोहित सर को क्या लगता है आपके इस परफॉर्मेंस के बारे में? रोहित सर। तेजस सर, तेजस तेजस डांस हो रहा था, ऐसा नहीं कि आपका डांस नहीं हो रहा था, बट आप यहाँ पे हम लोग वी आर हियर, आप इंजॉय कर रहे डांस को। मैं यही बोल रहा हूँ सबको कि आपके लॉक्स अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे, आपके मूवमेंट अच्छे थे, आपने कुछ ट्राई आप अटेम्प्ट कर रहे थे, बट वो अटेम्प्ट ना अगर फुल करते तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता था, राइट? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? और हम यहाँ पे वी आर वॉचिंग यू स्ट्रेट, सो ट्राई करो। आई नो यू आर इन्जॉइंग स्टेज एवरीथिंग, यू आर इन्जॉइंग सॉन्ग, बट आप ट्राई करो ना कि कोरियोग्राफी पार्ट ज़्यादा हो, थोड़े स्टेप्स आप 30 सेकेंड्स के लिए भी एक कोई स्टेप्स करो, 32 काउंट्स का एक चंक करो, इट लुक नाइस, वो इसमें एक रिलैक्स हो जाता है, आप भी रिलैक्स हो जाते हैं, और एक परफॉर्मेंस जो है जो हम लोग जज करते तो अच्छा हो सकता था, ये बहुत अच्छा हो सकता था। इट कैन, आप नर्वस मत हो जाओ, ये अच्छा हो सकता है। मैं आपको आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा, बट इट कुड बी मच बेटर, राइट? स्माइल करो और ऑल द बेस्ट। ओके ऑल द बेस्ट, चलो बाय, थैंक यू, थैंक यू सो मच तेजस, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। अब हमारे सामने आ रहे हैं प्रिशा जैन, उनके परफॉर्मेंस के बाद ऋतुजा उंडे शुड बी रेडी। ओके प्लीज बी इन द बैक। ओके प्रिशा प्लीज बी इन द सेंटर। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं
उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Thank you so much, Prisha. I was hoping that tamma tamma kab aa raha hai. And thank you so much for this song, okay? Please. Dekhte judges ko kaisa laga aapka performance. Ganesh sir, aapka performance kaisa laga? Prisha, na? Yes, sir. Beta, aapka attempt bahut acha tha. Aap female ho. Aap male voice bol rahe ho, beta. Hai na? To thoda sa wo aap dhyan dijiye us pe. Wo us pe dhyan dena aur aap zyada se zyada कोरियोग्राफी आपने खुद किया था ये नहीं सर किसने किया था फिर मम्मा नहीं अच्छा जयसुधा मैम ओके जयसुधा मैम ने किया था ओके फिर भी आप थोड़ा अभी आप सीख रहे हो ना तो आप और अच्छी तरह से सीखोगे ना तो और बेटर हो जाएगा परफॉर्मेंस आपका ओके आपकी स्माइल बहुत अच्छी थी आप कर रहे भी अच्छे थे अटेम्प्ट भी कर रहे थे कहाँ कहाँ पे थोड़ा थोड़ा छूट रहा था बट आप ये थोड़ा सा याद रखो ओके और मेल वॉइस नहीं बोलना है ओके थैंक यू ओके शैलेश सर आपको परफॉर्मेंस कैसे लगा व्हाट्स योर नेम प्रीशा आई एंजॉय योर परफॉर्मेंस थैंक यू सर बट मुझे आप में सिर्फ दो या तीन बातें बहुत अच्छी लगी है बोलो ओके फर्स्ट योर एटीट्यूड एक्सप्रेशंस वो आप में बहुत अच्छा बस आप उसमें और थोड़ा सा वर्क करो और जो स्टेप्स करते हो ना वो थोड़ा और ब्रॉड करो स्टेप्स okay. आप बहुत अच्छा करते हो आप फर्स्ट है कि आप इंजॉय कर लेते हो डांस को फर्स्ट डांस में सबसे मेन थिंग होना होता है उसे इंजॉय करना आप डांस इंजॉय करोगे आपका सब अच्छा अच्छा होते जाता है गुड लक थैंक यू सो मच प्रशांत ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस ओके इसके बाद हम बनने वाले हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर ऋतुजा उंडे इज गोना परफॉर्म हर परफॉर्मेंस उसके बाद आई विल कॉल प्रतीक मोरे and lucky kalam please be ready in the backstage okay for time being Rutuja ek ho gaye hum aur tum tu ho
Thank you so much, Rutuja, for this beautiful performance. Rohit sir, आपको इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है? रुतुजा, ये आप जो कर रहे थे, that was nice. Energy, अगर होती ना, तो ये it could be better. Energy, आप एकदम लो, क्योंकि गाना जो आपने चॉइस किया था, it was so nice. इतना एनर्जेटिक गाना था. पहला गाना था, I think, हम मामा इसका. तो वो अगर इसमें एनर्जी होती, मैं कोरियोग्राफी की बात नहीं करूँ, अपने टेक्निकल पॉइंट से बता, एटलीस्ट जो फर्स्ट थिंग हम लोग नोटिस कर रहे हैं स्टेज पे, एनर्जी. उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन, एनर्जी रहेगी तो हम लोग को देखना और अच्छा लगता है. इसमें अगर एनर्जी होती ना तो बाकी की चीज़ें और अच्छी हो सकती थी. आपको और बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा. ओके बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करो और एनर्जी पे ध्यान दो. सॉन्ग कैसा भी हो, स्लो हो, आपको आपकी जो मूवमेंट्स है वो क्लीन लाउड दिखनी चाहिए. ओके, गॉड ब्लेस यू.